वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन पाकिस्तानी मॉम वीलॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी आज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी हेयर केयर, स्किन केयर, हर चीज़ की रूटीन। अच्छा जी, ये पूरी जो है वो मेरी एक किस्म की वैनिटी है। ये मेरा वॉशरूम है, यहाँ पे यू कैन सी सामने मैंने अपने शैम्पूज़ वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पर मेरी क्लिंजर्स हैं, स्क्रब्स हैं और ये बालों के लिए कुछ। और यहाँ पे जो है वो मैंने अपनी एक फेशियल किट रखी हुई है जिसका अभी मैं आपके साथ रिव्यू इसका शेयर करूँगी इंशाल्लाह। पहले जो मैं आपको बता दूँ कि मैं नहाने से पहले जो है वो करती हूँ, यहाँ पे जो है वो मेरे पास ये सैयद गनी की जो है वो हेयर ग्रोथ क्रीम है। ये आप नहाने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं और नहाने के बाद भी। तो यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं नहाने से पहले जो है वो बालों में 10-15 मिनट के लिए जो है वो रख छोड़ देती हूँ, जिससे जो है वो बाल जो है वो सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो मेरे पास हेयर ग्रोथ जो है वो स्प्रे है, जो कि मैं नहाने के बाद जब बाल मेरे ड्राई हो जाते हैं मैं स्प्रे करती हूँ। ये काफ़ी अच्छा, ऑलमोस्ट मेरा जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये मैं बालों के लिए अपने करती हूँ। उसके बाद किसी भी जो है वो माइल्ड शैम्पू से जो है वो मैं अपना सर धो लेती हूँ। मैं डायरेक्ट शैम्पू नहीं सर पे डालती, मैं उसको पानी में डाइल्यूट करके फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, जो मेन हमारी चीज़ है जिसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी वो है हमारी ये फेशियल किट ओरियोर की। तो सबको इसका पता होगा और बहुत सारे रिव्यूज़ भी आपने देखे होंगे, लेकिन मुझे ये किट अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि मुझे इसका रिव्यू देना चाहिए। जो चीज़ अच्छी है भाई वो चीज़ अच्छी है, उसका रिव्यू आपको देना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। तो अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ इसका जो है वो अच्छा जी, उससे पहले जो है वो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शील किट जो है वो कुछ दिन पहले मैंने ऑर्डर की थी। सबसे पहले जो है वो इस मेरे पास जो है वो इसकी ब्लीच है, ब्लीचिंग पाउडर है इसका, और ये बूस्टर आता है। इसके ऊपर जो है वो लिखी हुई है इंस्ट्रक्शंस, लिखी हुई हैं आपने इसको कैसे यूज़ करना है। और ब्लीच ज़ाहरी बात है सबको जो है वो सब यूज़ करती हैं, लेकिन इसकी ये होता है कि सेंसिटिव स्किन और ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा ये होता है कि आप ब्लीच अप्लाई करने से पहले जो अपने मुंह पे कोई वैसलीन या कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो इनकी एलोवेरा जेल है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आई है। तो एलोवेरा जेल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, आप डाल के फेस पैक में डाल के, हेयर मास्क, ये सारा लिखा हुआ है, मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक्नी को आपकी जो है वो दूर करता है ये एलोवेरा जेल स्पेशली। तो मुझे तो ये स्पेशली जो है वो बहुत मुझे पसंद आया है। उसके बाद जो है वो इनका टोनर है, जो कि रिफ़्रेशिंग एंड ब्राइटनिंग टोनर है। आप जो है वो मैं इसको हर दफ़ा फ़ेस वॉश करने के बाद, फेस ड्राई करके मैं थोड़ा सा इसको पम्प कर लेती हूँ अपने मुंह पे, टोनर कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसको हम रखते हैं ज़रा साइड पे। अब हम आते हैं इनकी फेशियल किट पे। ये फेशियल किट है, इसके 6 स्टेप्स हैं। तो हर चीज़ के ऊपर जो है वो इसका स्टेप नंबर 1। मैंने जो है वो ओरियोर की जो है वो मैंने ब्लीच इस्तेमाल की थी अपने हैंड पे। अगर आपको मेरे बाजू के इस वाले में और इस वाले में, उसके बाद जो है वो हम करने जा रहे हैं अपना फेशियल। क्लिंजिंग मैंने पहले भी की थी, लेकिन जो है वो मैं दोबारा थोड़ी सी जो है वो क्लिंजिंग करूँगी। इसको जो है वो यहाँ पे इसका टेक्स्चर यू कैन सी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऐसे जो है ये इसका क्रीमी सा टेक्स्चर है थोड़ा सा। हम अगला स्टेप जो है वो है हमारा मसाज क्रीम। मसाज क्रीम जो है वो हम इसको जो है वो 5 मिनट तक अपने चेहरे पर जो है वो मसाज करेंगे। इसकी जो है मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ किस तरह की है, जैसे जो है वो क्लेंजर की थी। बस इसको जो है वो हमने फेस पे 5 मिनट तक जो है वो हमने इसको। हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है ब्राइटनिंग एक्सफोलिएटर। थोड़ा सा तकरीबन इनकी देखने में जो है वो एक ही तरह की कंसिस्टेंसी है, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो यू विल फील
सो गुड, बहुत ज़बरदस्त है ये। मैंने सिर्फ अभी दो ही स्टेप किए हैं तो मुझे इतना रिफ्रेशिंग और अच्छा है, वो है स्किन रिजुविनेट कुछ इस तरह की। देखें लाइट सा ब्लू कलर है इसका, आपको दिखाती हूँ इसका ये ऐसे लुक जो है वो। डबल क्लेंजर है, इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह की इसकी जो है वो क्रीमी, मतलब आप क्रीमी कह लें जेल कह लें अगर आपको नज़र आ रही हो तो इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी है क्रीमी जेल बेस जो है, ये डबल क्लेंजर है हमारा। एंड फाइनल स्टेप जो है वो है इसका मड मास्क। ठीक है, अब हम इसकी भी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। मेरे पास ये ब्रश है, आप कोई भी जो है वो ब्रश ले सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक है जो कि मैंने दराज से ऑर्डर करवाया था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, स्मूथ है मतलब हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा सा ले लूँ, ये देखें यू कैन सी। मैं आपको जो है वो अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ, यू कैन सी दैट इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है। तो अब मैं ये अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और इसके बाद फिर मैं इसको 5 मिनट बाद जो है मैं इसको वॉश कर दूँगी। तो मेरा तो जो है वो ओरियोर फेशियल किट के साथ जो है वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है और मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। आप बिला झिझक इसको बाय कर सकते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि इनके ऊपर जो है वो स्टेप्स जो है वो मेंशन है, क्योंकि अक्सर लड़कियां होती हैं जो पहली पहली दफ़ा अगर फेशियल किट ख़रीदती हैं तो ऊपर मेंशन नहीं होता कि पहला स्टेप क्या है दूसरा। तो अच्छी बात है कि इसके ऊपर स्टेप्स मेंशन है, तो स्टेप वाइज आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज का मेरा यही था रिव्यू, इसके बाद जो है वो मैं फेस अपना वॉश करके तो उसके बाद मैं फिर से दोबारा से करूँगी इसके ऊपर अप्लाई टोनर अपने फेस पे। तो एंड आई एम गुड टू गो। तो अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर हाजिर हूँगी अगली वीडियो के साथ। अगली कुकिंग वीडियो हो सकती है, कोई रिव्यू वीडियो हो सकती है, तो मैं फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।